एक बात और, आप कितनी भी YouTube वीडियोज देख लीजिए, आप तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। हेलो गाइज, अनिकेत चांगिड की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है पार्ट 3 ड्राइविंग सीरीज का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गाड़ी को चलाना सीख गए, यानी कि आपकी क्लच और एक्सीलेटर ब्रेक पे अच्छे से कमांड हो चुकी है और अब आप गाड़ी को रोड पे चलाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है, यानी कि आपको गाड़ी का जजमेंट अच्छे से नहीं आता, तो आज मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। आपको गाड़ी का जजमेंट सिखाऊंगा लेफ्ट साइड और राइट साइड का। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक बात और, आप कितनी भी YouTube वीडियोज देख लीजिए, आप तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 100% श्योर है कि आप अच्छे से गाड़ी को चला पाओगे और गाड़ी का जजमेंट अच्छे से कर पाओगे। और हाँ, एक बात और, ड्राइविंग सीरीज में बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, वीडियोज के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरे रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है। बिगिनर्स के साथ में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी का जजमेंट सीखते हो तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छे से सीखते जाते हो तो फिर आपको अच्छे से जजमेंट आ जाता है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा जजमेंट लेने के लिए। आपको ये रोड पे जो ये वाइट पट्टी होती है साइड में, आपको इनके साइड में गाड़ी का एक साइड लगा लेनी है। मान लीजिए पहले मैं आपको राइट पहले लेफ्ट साइड का जजमेंट बताता हूँ, तो मैं गाड़ी को इस पट्टी पे रोक लूँगा, और इस पट्टी पे रोकने के बाद आपको इसका एक थोड़ा सा जजमेंट लेना है, वो मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। तो गाइस, आपको रोड पे ऐसी पट्टी एक ढूंढ लेनी है, ये हर एक रोड पे आपको मिल जाएगी। और आपकी गाड़ी की जो लेफ्ट साइड होती है वो इस पर खड़ी कर लेनी है, यानी कि लेफ्ट साइड के जो टायर्स होते हैं वो इस पट्टी के ऊपर खड़ी कर लेने हैं। फिर आपको गाड़ी के अंदर चल के एक जजमेंट लेना है, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। आपको गाड़ी के अंदर आना है, तो आपको ड्राइवर सीट पे आके अपनी सिटिंग पोजीशन सही कर लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, आपको ये वाइट पट्टी सामने यहाँ पे दिख रही है, आपको जहाँ से वो वाइट पट्टी जा रही है वहाँ पे विंडशील्ड पे एक हाईलाइट कर देना है उस एरिया को। तो मैं आपको एक तरीका बता दूँ आप क्या कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा ऐसा कागज़ लीजिए और इसको यहाँ पे, अरे वो तो इसमें चले गया। तो वैसे आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो होती है यहाँ पे विंडशील्ड के लिए एसी वेंट्स होती है, इनके आपको इसमें नहीं डालना है कागज़ को, हमारे में तो गिर गया। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये जहाँ पे विंडशील्ड से होके जा रही है, आपको वहाँ पे ये एक ऐसे कोई कागज़ की बोल बना के उसको लगा देना है। तो मैं लगा देता हूँ एक बार, ये देखिए अभी आप मेरे आई ओ व्यू से देख रहे हो, और मैंने यहाँ पे एक कागज़ की एक बोल बना के यहाँ पे लगा दी है। आप यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हो, किसी मार्कर से यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। और इतना करती है आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट तो हो गया। वो कैसे, अब मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, तो आपकी इस जो ये आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, इसके सामने आपको जो कुछ दिख रहा है वहाँ पे आपकी गाड़ी के लेफ्ट साइड के टायर्स हैं। तो आपको गाड़ी को इस तरीके से चलाना है जिससे आपका ये जो राइट वाला पॉइंट है, तो आपको गाड़ी को इस तरीके से चलाना है जिससे आपकी जो ये पॉइंट है वो थोड़ा सा इस तरफ रहे हमेशा रोड से। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए अभी आप देख सकते हो ये पट्टी पे चल रहा है, ये थोड़ा लेफ्ट में चलेगा, अभी वापस से पट्टी पे आ गया, इस वाइट पट्टी पे आ गया। और अभी आप देख सकते हो साइड से ये हमारे टायर्स बिल्कुल पट्टी पे ही है, ये आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो चलिए ये तो हो गया लेफ्ट साइड का, आपको सेम टू सेम एक राइट साइड में भी कर लेना है। तो चलिए मैं गाड़ी को यहाँ पे घुमा के लगाता हूँ, गाड़ी को घुमा लेते हैं। और ऐसे ही सेम टू सेम आपको राइट साइड के लिए करना है। ये देखिए अभी आप मेरे आई ऑफ व्यू से देख रहे हो, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारे टायर जो है वो पट्टी पे आ चुके हैं। ये देखिए ये टायर्स पट्टी पे आ चुके हैं। अब आपको जो पॉइंट दिख रहा है इसके सामने, जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको भी ऐसे ही हाईलाइट कर देना है। तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट, ये हो गया राइट का।
तो अब मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ प्रॉपरली। चलिए फील्ड में चलते हैं और मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी एक बॉल बना के लगा दी। तो आपको क्या करना है, आपको इन बॉल्स को अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है ताकि ये इधर उधर ना हो और आपका जजमेंट ना बिगड़े। तो चलिए मैं आपको इससे जजमेंट लेके दिखाता हूँ और आपको फील्ड में प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो चलिए फील्ड में चलते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे विंडशील्ड पे मार्कर वगैरह से निशान लगा सकते हैं या टेप भी लगा सकते हैं। तो चलिए फील्ड में चलते हैं। हम आ गए फील्ड में। ये देखिए हम फील्ड पे आ चुके हैं और अब मैं आपको राइट साइड का जजमेंट बताता हूँ। ये देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको जो ये यहाँ पे राइट में ईंट पड़ी है इसके ऊपर से टेरेस को ले जाकर दिखाता हूँ। तो इससे अगर मैं इसके ऊपर ले जा पाया तो यानी कि जजमेंट हमारा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है 100%। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ। तो गाइज अभी आप देख सकते हो जो वो ईंट है वो बिल्कुल इसकी सीध में आ चुकी है हमारी पी वाई बॉल के। तो अब आपको स्टेरिंग सीधा रख के इसके ऊपर से गाड़ी को गुजार देना है और आप देखोगे कि ये इसी के ऊपर से जाएगी गाड़ी हमारी। ये देखिए आपने जर्क फील किया होगा थोड़ा बहुत। ये देखिए रियर व्हील्स भी इसी के ऊपर से आए। तो चलिए मैं आपको लेफ्ट साइड को बता देता हूँ। ये देखिए गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट में मोड़ लेते हैं और ये लेफ्ट साइड का भी टायर से इसके ऊपर गुजार के देखते हैं एक बार। तो ये देखिए ये भी इसकी सीध में आ चुकी है ईंट और अब टायर्स को सीधा रखते हुए आपको गाड़ी इसके ऊपर चलानी है। और ये देखिए तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट में मुझे बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हाँ पार्ट 4 जल्दी आ रहा है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।